भाई गुड मॉर्निंग। और बज रहे हैं सुबह के 7 बजे। आज छठ पूजा तो साफ ही नहीं हुआ यहाँ पे। तो चाचा के साथ मैं आया हूँ घाट साफ करने। यहाँ हम पूजा करते और यही ट्रेन जाती है, तो सुबह वाली ट्रेन आ ही रही होगी। इतने ये पेंट है, वो देखो लकीली ट्रेन आ भी गई जब हम ब्लॉग बना रहे। बाय नहीं कर रहा तो सुबह सुबह भाई वो हो जाएगी, ट्रेन जाएगी। इतने हमने यहाँ करना है पेंट, देख रहे पेंट हो गया तैयार। तो भाई अभी याद आया, आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल भी है यार। इंडिया जीत जाए आज मतलब बहुत अच्छा दिन भी है, छठ पूजा है, और यार टेंशन भी हो रही है। और सुबह सुबह देखते हो यहाँ का मौसम, देख रहे हो कितना क्लीन है एज कम्पेयर टू गुड़गांव। मज़ा नहीं आता, मेन इसलिए मैं यहाँ पे रहना पसंद करता हूँ। यस, उफ नींद भी आ रही है यार। तो यार ये बन रहा है छठ पूजा का प्रसाद। तो ये वीडियो मैं नहीं शूट कर पाया था, मेरी चाची ने शूट करी थी। तो यार ये ठेकुआ होता है, और मतलब सबसे बेस्ट चीज़ यही लगती है मुझे कि ये सब कुछ छठ में ना सब कुछ प्रसाद घर बनता है। ये चारों मेरी चाची हैं जो प्रसाद बना रही हैं। देखो जी देव भाई मुझसे नाराज हो गए हैं, तो मैं इन्हें घुमा रहा हूँ। हाय कर दो देव। अब देव को जा रहा हूँ मैं चीज़ दिलवाने। ये मेरी बहन, हाय करो। तो भाई बहुत कम लोगों को पता चलेगा, बाजपुर में हमारी फ्रेंचाइजी, मतलब मेरी फ्रेंचाइजी नहीं है, किसी बंदे की है, ज्ञानी खुला है। तो मैं यहाँ कॉन्टीन्यूसली 6 दिन से आ रहा हूँ, और बहुत ही बढ़िया सारे फ्लेवर ट्राई कर रखे हैं। बाजपुर के बाहर ही हल्द्वानी रोड पे आप जाओगे ना, नैनीताल रोड पे, तो जियो के पंप में जस्ट यहीं पर मस्ट ट्राई करना। और ब्लैक करंट लेना, मेरा फेवरेट है, स्नेल भाई के साथ आए रखे। तो भाई अब जा रहे हैं घाट को, मैं हो गया हूँ काफ़ी लेट, गाड़ी निकाल रहा हूँ, मेरी सांस इसलिए फूल ली है, मैं दौड़ते हुए आया हूँ इसलिए। ये रही अपनी गड्डी। ओके मैं करता हूँ घाट पहुँचने, फिर दिखाते। तो यार इस अब इस पे चाची सब कोसी पे छठ माता को कोसी का सामान चढ़ा देंगी। तो अब अर्घ दिया जा रहा है, तो ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, जितना मुझे चाची से पता चल रहा है सूर्य को, सूर्य भगवान को देख के उनकी पूजा करती है, बाकी मैं उनसे पूछूंगा। भाई तो अपने पीछे चाची, वो क्या हो रहा है थोड़ा बताओ ना। ब्लॉग पूजा की शाम वाली पूजा हो रही है, शाम की अर्घ हो रही है। तो ये अर्घ हो रहा है, अपने को थोड़ा ज़्यादा नहीं पता, तो मैं चाची से अपनी पूछता रहता हूँ। तो इस टाइम अर्घ दिया जा रहा है, अब फिर सुबह फिर उगते सूर्य को देंगे, और फिर इस समय हम डूबते सूर्य को देते हैं, सुबह में उगते को। तो ये पूजा का इसलिए खुद नहीं बता रहा हूँ, कभी मैं कुछ गलत बता दूँ तो मैं नहीं चाहता हूँ कि भगवान जी के लिए कुछ भी गलत मिस्टेक मेरे से हो, इसलिए मैं अपनी गाइडेंस बड़ों से लेता हूँ, अपने पूर्वजों से लेता हूँ। तो यार वर्ल्ड कप का फाइनल है, वो भी देखा जा रहा है, अभी तो हाल बुरा ही चल रहा है, और पूजा पे ध्यान भी चल रहा है। तो यार अब ना कहानी पढ़ी जा रही है, और छठ माता की कहानी मतलब बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए। तो मतलब एक तरह से जो भी हारता है ना तो उसे सहारा मिलता है, तो वही सब कहानी बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्या है बीर? अभी यार सनसेट हो रहा है, अब सनसेट को देखते हुए पूजा करी जाती है। तो छठ पूजा में सूरज उगते हुए भी और ढलते हुए दोनों में पूजा करी जाती है। तो जो जो व्रत रखते हैं सूरज ढलते हुए प्रेयर करते हैं, तो जब मेरी चाची प्रेयर कर रही है। अब ये है कोसी का प्रोसेस। आओ भाई आओ।
तो यार अब गीत हो रहे हैं और कोसी इसलिए भरी जाती है जैसे आपने कोई विश मांगी होती है और वो छठ माता उसे पूरे कर देती है, तो इसलिए जितनी जितनी विश होती है उस हिसाब से मतलब कोसी भरी जाती है। मतलब कोसी का भरने का यही होता है, कोई हम मांगते हैं और चीज़ पूरी होती है तो इसके लिए हम कोसी रखते हैं। तो जनरली इसमें हम जो भी हमारी नेचुरल चीज़ें होती हैं उससे पूजा की जाती है। आप देख सकते हो गन्ने हैं, सेब, केला, सब कुछ है। अब इसमें जल दिया जा रहा है, ये खास बात लगती है मुझे छठ पूजा की कि इसमें जो भी भगवान की बनाई हुई चीज़ें हम उससे ही पूजा करते हैं। तो यार सुबह सुबह हो गई है, अब इस टाइम हम बम फोड़ रहे हैं देखो, और इस टाइम कोसी की ना पूजा करी जाती है। व्यू देखो यार कितना सुंदर व्यू है, मतलब मन कर रहा है इसे देखते ही रहूं, इसलिए मैंने थोड़ी लंबी वीडियो शूट कर ली। तो मोटर कर दी अब ऑन, अब दिया जाएगा जल सनराइज होते हुए, तो वेट किया जा रहा है सूर्य का। तो सब लोग जिन जिन का व्रत होता है ना वो यहीं पे वेट करते हैं। देखो मतलब पूरी कोसी का सामान लेके सूरज उगता है और फिर पंडित जी जल देते हैं, फिर व्रत ऐसे खोला जाता है। अब जल दिया जा रहा है, चाची राउंड लगा रही हैं, ऐसे घूमते हैं और पानी को छू के व्रत खोलते हैं। ये मैंने यहाँ से शूट कर ली थी एक वीडियो, देखो वाओ जी हो गया अपना सनराइज। आज हमने सनराइज देखा है, तो भाई सनराइज हो गया देखो। ओ, ओ, जल भी चढ़ गया और अब पूजा होगी। तो छठ पूजा में कहानी सुनते हैं, उन कहानियों का बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता का मतलब स्टोरी होती है, कैसे डिफिकल्टी आती है और कैसे लोग करते हैं उनके रिगार्डिंग ही होती है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, कल तो चाची थी पर आज मेरे से मेरी छोटी बहन है तो इसलिए वो तुरंत आगे बढ़ रही है, उसका तो खुद जीरो बटन पता है। पता इसमें सांप आप था, अभी चाचा लेकर आ रहे थे। छठ पूजा का सबसे मजे की बात ये है कि हम सुबह उठते हैं, रात को लेट सोते हैं, एक टाइप बहुत मजा आता है। तो यार अब पूजा हो गई, अब प्रसाद भी सबका खा लिया। तो छठ पूजा में खास बात सबका अपना अपना प्रसाद होता है और वो बहुत टेस्टी लगता है। अब चला जाएगा घर, जय छठ माता की। तो भाई पूजा हो गई थी ख़त्म, अभी सोए नहीं है, कर रहे हैं ऑफिस का काम और यही है। सुबह आते वैसे तो हम लोग जब वो नहीं लाइक ऑफिस नहीं होता, स्कूल होता तो मैं तो छुट्टी मारता था, और अब स्कूल नहीं है तो वैसे सो जाते थे। अब थोड़ा सा काम है वो करके सो जाएंगे, यही है। तो छठ पूजा मतलब यार बहुत ही मेरे को ऐसा लगता है कि मेनली कोसी इसलिए करी जाती है कि प्रेयर, जैसे हमने कोई मन्नत मांगी हो पूरी होती है, तो इस वजह से। तो सबसे पहले छठ माता की पूजा करी थी द्रौपदी ने, फिर सीता माता ने, फिर हमारे घर में हमारी दादी करती थी, फिर मम्मी चाची करते ही हैं। बस यही था दिन, तो हमने भगवा कलर पहन रखा था आज इसीलिए।